गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार द्वारा जारी 9th क्लास की वर्कशीट नंबर 25 को पढ़ेंगे। ये 31 अगस्त के लिए है, हिंदी विषय का है। इसका आज का जो टॉपिक है उसमें डॉक्टर सलीम अली की आत्मकथा के बारे में और उससे संबंधित कुछ चीज़ें बताई गई हैं, तो आइए हम उसे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है और अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। इसके बाद आते हैं, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर आपको प्रश्न का उत्तर देना है। तो देखिए, डॉक्टर सलीम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ स्पैरो। अब देखिए, पहला जो आपका प्रश्न है, सलीम अली की आत्मकथा का नाम क्या है? फॉल ऑफ स्पैरो। मुझे याद आ गया, डीएच लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में लिखें। लिखे फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा कि मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव था। अब देखिए, दूसरा प्रश्न है, लोग लॉरेंस की मौत के बारे में उनकी पत्नी से क्या चाहते थे? तो क्या चाहते थे कि अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखें। तो ये आज हो गया, ये आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। अब आगे, मुझे फ्रीडा ने क्या किया? मुझे महसूस होता है कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है, मुझसे भी ज़्यादा जानती है। वह सचमुच इतना खुला आदमी और सादा दिल आदमी था। अब प्रश्न क्या है, फ्रीडा ने लोगों की बात का उत्तर क्या दिया? उसने ऐसा क्या कहा? उन्होंने क्या उत्तर दिया मुझे कि उनके लिए उनके बारे में कुछ लिख पाना असंभव है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनको महसूस होता है कि वह बहुत खुले दिल के आदमी थे और उनके छत पर बैठने वाली गौरैया भी उनके बारे में बहुत अच्छा सब कुछ जानती थी। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर तीसरे क्वेश्चन का उत्तर हो गया। अब अगला क्वेश्चन है आपका चौथा प्रश्न क्या है कि आप गतिविधि है, आपने किसी ना किसी पक्षी का अवलोकन किया होगा, उस पक्षी के गुण और व्यवहार के बारे में 10 पंक्तियां अपने शब्द में लिखी, आपको लिखना है। तो इसके लिए आइए, आपको एक गौरैया के बारे में ही कुछ हमने लिखा है जिसे आप नोट कर सकते हैं। देखिए, 10 लाइन है इसके बारे में, गौरैया के बारे में। पहला क्या है, पहला है कि यह एक बहुत छोटा पक्षी है। यह घरेलू पक्षी है जो झुंड में रहता है, यानी घरों के आसपास ही गौरैया ज़्यादा रहते हैं। यह मांस एवं पहले मांस खाते थे, लेकिन अब दाने भी चुगते हैं। यह बहुत तेज़ी से तैर सकता है। यह पक्षी जो हवा में उड़ भी सकता है और तैर भी सकता है। यह घरों में रहते हैं। गौरैया अक्सर देखा होगा, घर के जो दरारें होती हैं या कहीं पुल होगा, कहीं छत होगी, कहीं झोपड़ी होगी, तो उनमें ये रहते हैं। वैसे ये पेड़ों पे भी घोंसला बना के रहते हैं, लेकिन ये घरों में ज़्यादा पाए जाते हैं। कभी कभी घोंसला बनाकर भी ये रहते हैं। ये आपका छठा सेंटेंस हो गया। कुत्ते, बिल्ली, लोमड़ी और सांप इनका शिकार करते हैं। पुरुष गौरैया घोंसले का जो घोंसले का निर्माण करते हैं, तो मुख्यतः उसमें जो मेल गौरैया होता है वही करता है। मादा गौरैया एक बार में 3 से 5 अंडे देती है। और पाँचवा आपका है, अंडे सेने की अवधि 12 दिन होती है, यानी 12 दिन के बाद अंडों से चूजे निकलने लगते हैं। तो ये गौरैया के बारे में 10 सेंटेंस था। तो सारी बच्चों से जो 9th क्लास के हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये सारी चीज़ें अच्छे से अपनी वर्कशीट में करिएगा और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, ताकि आपको अगली जो भी नेक्स्ट वीडियो मिले आपको तुरंत मिलती रहे। धन्यवाद।